वालेकुम। द वे आई कुक में आज पिज़्ज़ा डो बन रही है। सॉफ्ट पिज़्ज़ा डो की रेसिपी के लिए जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है, 1 कप नीम गरम दूध है, नमक 1/2 चाय का चम्मच, इंस्टेंट यीस्ट 1.5 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच और ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। सबसे पहले दूध में नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही यीस्ट भी डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के लिए इसको वार्म प्लेस पर रखना है। देखें 10 मिनट हो गए हैं और देखें इसमें टाइनी बबल्स बन चुके हैं और यीस्ट डो गूंदने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैदे में ऑयल शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यीस्ट के मिक्सचर से इसको गूंथ लें। सारा इकट्ठा नहीं डालना है, आस्ते आस्ते डालते जाएं और सारा मिक्स करते जाएं। आटे की तरह ही इसे गूंथना है, लेकिन डो बहुत नरम होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएं और इसको गूंथते जाएं। बस यहाँ पर हम जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह मसल मसल के गूंदना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है इस प्रात में गूंदने में या किसी बाउल में, तो हम यहाँ पे सरफेस पे मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको इस तरह से इस पे रख के कोट करके इस तरह से मसलते हुए गूंद लें। 10 से 15 मिनट तक इसको गूंदना है। डो को सॉफ्ट रखना है, हार्ड नहीं होने देना है। उस वक्त तक हम गूंदेंगे जब तक ये अपनी सरफेस से चिपकना छोड़ दे। साथ साथ मैदा मैं डस्ट कर रही हूँ और साथ साथ इसको गूंदते जा रही हूँ। देखें डो तैयार है, कितनी सॉफ्ट डो है, उसने अपनी सरफेस छोड़ दी है। अब सारी डो को इकट्ठा कर लेंगे। ये मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है और इसको ऑयल लगा लिया है। इसमें डो रख के हाथों पे ऑयल लगा लें और इस तरह से ऊपर भी ऑयल लग जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक थैली में इसको डालकर पहले उसको भी ग्रीस कर लें और फिर उसको डालकर रख सकते हैं। अब मैं इसको 5 से 6 घंटे के लिए वार्म प्लेस पर रखूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। गर्मियों में ये 1.5 से 2 घंटे में तैयार हो जाएगी। 5 घंटे गुजर गए हैं, देखें डो फूल के डबल हो चुकी है और इसमें कितनी एयर है। पिज़्ज़ा डो तैयार है। अब इससे मैं पिज़्ज़ा डो से मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। उस वक्त तक इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।